नंबर्स का आपस में तालमेल कैसे हो। कुछ नंबर्स होते हैं जिनमें आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, कुछ होते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस कंपैटिबिलिटी की सीरीज में आज बात करने वाली हूँ नंबर 1, अंक 1 के बारे में। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28, तो न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से, और 19 को भी, तो न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से 1, 10, 19 एंड 28 आप हो जाएंगे नंबर 1, अंक 1। तो अंक 1 जैसे लीडरशिप का नंबर है, उनमें एक ऑरा होती है सूर्य की, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, फियरलेस होते हैं। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ है आपका, डे की बात कर रही हूं मैं, तो अन्य लोगों के साथ, जैसे बाकी नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, इनके साथ आपका तालमेल कैसा बैठता है, कंपैटिबल कितने होते हैं। अब परिवार, किस परिवार में आपका जन्म होगा, ये चयन आपके हाथों में नहीं होता है, ये पहले से तय होता है। शादी किसके साथ आपकी होगी, कुंडली मिला करके भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी या अनबन नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक तो नॉलेज रहेगी, तो इससे थोड़े से आप अवेयर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चले। अब जैसे अंक 1 है, मैं और मेरा, अगर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है और व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब अगर अंक 1 है और कंपैटिबिलिटी, जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11, 20 या 29, तो वो नंबर 2 हो गए, अंक 2 हो गए न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से। तो अंक 1 और अंक 2 की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। एक व्यक्ति है जो सिर्फ कहता है मैं, मेरा इस तरफ है, और 2 की मिला के चले, तो 2 बहुत देता है, कोशिश पूरी करता है कि रिश्ते बना के चले, और 1 कि मैं जैसे कहूँ मेरे हिसाब से चलो, बाकी जो कह रहे हैं उनको सुनना नहीं है। अब इन दोनों का तालमेल कैसा हो। एक अपनी जगह सही है लेकिन अकड़ है, घमंड है, अहंकार है, और 2 कि नहीं मेरा काम है मिल के चलना है, मिला के चलना है। बहुत क्वालिटीज होती हैं लेकिन अपने पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और यहाँ 1 को बहुत कॉन्फिडेंस है। अब अगर ये 2 एक साथ आ गए तो 1 अपने हिसाब से चलाएगा और दूसरा देता चला जाता है, तो बैलेंस नहीं है। अगर ऐसा रिश्ता है या दोस्ती है या परिवार में भी है कोई, तो इन दोनों में कंपैटिबिलिटी कैसे करें। तो करना ये है कि अगर बना के चलना है तो मंडे और संडे, ये 2 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। संडे को गुड़ जरूर खाएं, खाना खा लिया उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा मुंह में लिया, आदत बना लीजिए। और मंडे को शाम होने के बाद आप कोई भी सफेद चीज ना खाएं, न दही, न चावल, न दूध। क्या करेगा, 1 तो आप में कॉन्फिडेंस देगा, और दूसरा जो 1 है उसको थोड़ा सा शांत करेगा कि मन में शांति आएगी और एक दूसरे को समझे। और इतना भी अगर मुश्किल है तो अपने कलर्स, लाइट येलो, ऑफ वाइट का यूज ज्यादा करें, तो आप में वैसा तेज आने लगेगा। यह है अंक 1 और अंक 2 की तालमेल बिठाने का तरीका है। सिंपल, ये नहीं कहूंगी कि ये अंगूठी पहने या ये स्टोन पहने, वो किसी और एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगी। आज बात कर रही हूं कि इन दोनों का तालमेल कैसे लाएं। अब अगर यही अंक 1 है और अंक 3 है, यानी कि जिनका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है और 30 को हुआ है या 21 को हुआ है, वो नंबर 3 हो गए। तो अंक 1 है मैं, मेरा, और अंक 3 है जिसको सारी दुनिया के साथ बांटना है, क्रिएटिव है, सोशल बटरफ्लाई है। तो ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये अपने नजरिए से है कि इसको स्पेस चाहिए, अपनी जगह चाहिए, इसको दबा के आप नहीं रख सकते। ये मिलनसार है, और अंक 1 लीडर बनना चाहता है कि सब उसको फॉलो करें। इन दोनों को मिला के कैसे चलें, यहाँ एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो ज़रूरत क्या है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम जो करना हो। अगेन, अब इस बारे में 1 और 3 को आपस में तालमेल अगर बिठाना है, तो मंडे एंड फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही दिन आप नॉनवेज ना खाएं, और अगर परिवार में खाते हैं, बहुत मुश्किल है,
अवॉइड नहीं कर सकते, काला रंग अवॉइड करें। दूसरी चीज़, अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने लगें। फिर से कहूँगी कि शाम होने के बाद आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, या सारा दिन ही रोज़ाना चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। शाम होने के बाद आप भी सफ़ेद कोई चीज़ें ना खाएं। और अगर तालमेल बिठाना है, इनको अहंकार ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है, और ये व्यक्ति सबकी सोचेगा, सबके साथ शेयर करेगा, क्रिएटिव बटरफ्लाई, दोनों शायद घर में ही समय कम मिलता है एक दूसरे के साथ, एक अपनी बात कर रहा है, बिजनेस की ये करना है, और दूसरा पार्टी में ये हुआ, ऐसा था, ऐसा नहीं था, तो वो कंपैटिबिलिटी लाने के लिए क्या करें, जानबूझ के थोड़ा एक दूसरे का समय बिताएं, और कोशिश करें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लें, कोई ऐसा काम लें जिसमें दोनों की स्किल्स का यूज़ कर सकें आप, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अपने आप को कहें, वी आर अ पीसफुल सोल, वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। लिखने से और बोलने से मन सुनेगा, मंत्र जैसे आप जाप करते हैं फ़र्क पड़ता है, तो ये जो आप अपने आप को बारी बारी याद दिलाते हैं वो भी एक जाप ही हो गया। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि आपस में अगर आपको तालमेल बिठाना हो, बहुत ज़रूरी है, हल्दी का तो इस्तेमाल आप ज़्यादा कर ही रहे हैं, ब्लैक को अवॉइड कर रहे हैं, और आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, चीनी आती है भूरे रंग की, भूरा खड़ी चीनी जैसे होती है, वो ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की आती है, बड़े बड़े दाने होते हैं उस शक्कर के, तो आप वो कुछ दाने हर महीने की अमावस्या को, अगर आप में तालमेल बिठाना, कुछ दाने या हाफ अ टीस्पून हर अमावस्या के दिन, आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आप पूजा कर रहे होते हैं अपने हाथ से पूजा स्थान पर लेके, कि हमारे आपस में तालमेल हो, और उसी चीनी को फिर आप अपने किचन के सिंक में बहा दीजिए, नदी में नहीं कहूँगी क्योंकि हर व्यक्ति के आसपास नदी या ना तालाब नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मैंने भूरे रंग की डार्क ब्राउन कलर की चीनी आती है उसके कुछ दाने अमावस्या के दिन हर महीने ईश्वर के सामने रख के अपनी बात ये कहें कि हमारा आपस में तालमेल बनने लगे, करने के बाद वो आप किचन के सिंक में पानी में नल से उधर से बहा दें। नंबर 101, मैंने आपसे 2 और 3 शेयर करा, 1 की बात रह गई थी, तो अगर आपका जन्म भी 1 को है, दोनों आपस में 1 हैं, तो अब आप सोचें, एक आग दूसरे में भी इतना गुस्सा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट दूसरा भी, तो दोनों मिला के कैसे चलेंगे। दोनों को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, दोनों में कॉन्फिडेंस बहुत है, एक अकड़ बहुत है, एक दूसरे की सुनते नहीं है, साथ में रखना मुश्किल होगा अगर फिर वो भाई बहन है या बॉस है या हस्बैंड वाइफ है। ऐसी स्थिति में अगर एक साथ घर में शायद मुश्किल ही होता है कि रह पाते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, ट्रैवल बहुत होता है या बहुत झगड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में कोशिश इतनी करिएगा कि आपके लिए सोमवार बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंडे को ये ध्यान दें, शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं तो मंडे को आप क्या कर सकते हैं, जब सुबह में आप उठते हैं तो आप नारियल लें, पूरा का पूरा नारियल, और अगर आप शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहते तभी भी आप कर सकते हैं, सोमवार के दिन आप नारियल लें, पानी वाला फ्रेश नारियल, ड्राई नहीं, वो आपने नारियल लिया, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम ले करके ये आप पूजा के स्थान पर रखिए, छुपा के रखिए। अमावस्या वाले दिन आपको नदी या नाला ढूंढना पड़ेगा, ये किचन में नहीं बहा सकते, नदी या नाले पे जाएं, वहाँ नदी या नाले के एकदम किनारे पे जो भी कचरे का डिब्बा हो उसमें वो नारियल डाल दें, कि हम दोनों में बहुत तालमेल बिठा नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं, पल में झगड़ा हो जाता है, ये हमारे जो बीच में कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी आए और हमारा आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल हो, वो नारियल वहाँ छोड़ आए। ये आपको 11 मंडे करना है, और आप शुरू करेंगे जब, काउंट करिए, कैलेंडर पे लिखिए, और ये आप सुबह में करके आएंगे, शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं, सुबह में ऑफिस जाते समय आप कर सकते हैं 11। ये था नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 4 है, अब जैसे 1 है कॉन्फिडेंट, नंबर 4 पूरा काम नियम से करता है, रूल से करते हैं, और कहूँगी कि बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, बदलते नहीं है जल्दी। अब नंबर 1 कि ऐसे करना है, चलो ये बदलते हैं, इनोवेटिव
एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। इन दोनों को साथ में कैसे लाएं, मिलके चल सकते हैं, एक दूसरे को समझाएगा और ये इसको कहेगा कि चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अगर ये आप में प्रॉब्लम है तो ये कहूँगी कि ट्यूसडे आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक को कम यूज़ करें, लाइट ब्लू यूज़ कर सकते हैं और हल्का सा रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, पर ओवरऑल ट्यूसडे को आपको एक चीज़ ये करनी है कि घर में आपकी रसोई में आप देखें सफ़ेद चावल, सफ़ेद चावल एक चम्मच 1 टीस्पून ले लिया आपने, और आप पूजा के स्थान पर अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर सफ़ेद चावल चढ़ा के ऊपर से थोड़ा सा जल चढ़ा दें ट्यूसडे के दिन। और अगर शिवलिंग नहीं है, सफ़ेद चावल हैं आपके पास, पूजा स्थान पर किसी भी धर्म को मानते हैं आप, वो एक कटोरी में रख के ईश्वर का नाम लेके कि आपस में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है या दूरियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए। अब इस सफ़ेद चावल को आपने ट्यूसडे को रखा, वेंसडे को आप अपने रसोई के सिंक में पानी से बहा दें। मंगलवार को रखना है, वेंसडे को बहा देना है, ये आप कुछ मंगलवार करके देखें। अब अगर नंबर 5 है, नंबर 1 है तो कॉन्फिडेंस है, लीडर है, नंबर 5 देता बहुत है लेकिन उसको रिश्ते बहुत प्यारे हैं, जिसके साथ जुड़ता है, चाहता है वह व्यक्ति उन्हीं का हो, उनके साथ ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, धोखा ना दे, समझे, वो सब देने को तैयार होता है नंबर 5। अगर उसको किसी ने 2 पल प्यार से बात कर ली और नंबर 5 अपने हिसाब से काम करना चाहता है, उसको पसंद नहीं है कि बोले कि बंद जाओ, यही करना है, कहाँ जाते हो मुझे बताओ, कब करना है क्या नहीं, वो पसंद नहीं है, नंबर 1 को भी पसंद नहीं है। तो अब आप सोचें, 2 एक्सट्रीम पर्सनैलिटी, इनको आपस में कैसे रखें, मिला के तो चलना पड़ेगा, रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। पर एक सरल सी चीज़ आप कर सकते हैं इन दोनों को साथ में लाने के लिए, अगर ये थोड़ी सी नोकझोंक होती है या थोड़ा सा शक होता है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, उस केस में आपको ये करना पड़ेगा, बुधवार आप दोनों के लिए बांध के चलने के लिए हल्का ब्लू आप इस्तेमाल करें ही, लेकिन बुधवार के दिन आपके घर में, घर के बाहर, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर कहीं पे भी नंगे पैर घास पे चले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। आपको बड़ा अजीब सा उपाय लगेगा पर करने के बाद आप देखिएगा आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है, वो एक ग्राउंडेड फीलिंग आएगी, पृथ्वी तत्व से भी आप जुड़ेंगे, हरी घास भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके घर में बैकयार्ड में घास है बहुत अच्छी, नहीं तो पार्क में, कोशिश करें किसी भी दिन, किसी भी समय, एक्चुअली बुधवार के दिन जाना ज़रूर पड़ेगा नंबर 1 और 5 रिश्ते में अगर लाना है। अब एक जना कर सकता है, दूसरा नहीं, कोई बात नहीं, दोनों में से एक भी करेगा तो उनको ये फल मिलेगा। नंबर 6 सबको देता है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी होता है, नंबर 1 मानता नहीं है, अपने दिमाग से चलता है, नंबर 6 दिल से भी चलेगा, गट फीलिंग अच्छा है, बना के चल सकते हैं, लेकिन वो है कि एक ज़्यादा करता है एक कम करता है, अगर उस हिसाब से तालमेल बिठानी है कि ये एक थोड़ी सी जिम्मेदारी ले और नंबर 6 को भी थोड़ी सी स्पेस मिले। इस केस में क्या करें, आपके लिए थर्सडे और फ्राइडे, बृहस्पतिवार और शुक्रवार बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरल सी चीज़ ये कहूँगी कि थर्सडे और फ्राइडे आप जिस भी धर्म से हैं उस दिन ज़रूर मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, मुमकिन नहीं है तो सबसे आसान चीज़ थर्सडे या फ्राइडे दोनों में से कुछ भी आप पिक कर लें, अपने किचन में जाएं, उस दिन आप थर्सडे को पीली खिचड़ी बनाएं, किसी को डोनेट कर सकते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो पीली खिचड़ी ले जाएं, कोई नहीं जा रहे हैं अगर आप कॉफ़ी पे गए, लंच पे बाहर गए तो टिप ज़्यादा कर दें, या किसी और को कॉफ़ी लेके दे दी, या कोलीग साथ में चले गए उनको भी लंच आपने दे दिया, जता के नहीं दे, ये काम आप थर्सडे भी कर सकते हैं या काम आप फ्राइडे भी कर सकते हैं, खिचड़ी दोनों में से किसी भी दिन आप दान भी कर सकते हैं, पर ये दोनों दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 7, 1 और 7 की अच्छी बनती है, 7 अपने में ही रहता है, ज़्यादा तंग नहीं करेगा, स्पिरिचुअल भी होता है, मिलके चल सकता है, पावर है, नंबर 1 ये रियलाइज़ करता है तो थोड़ा सा शांत रहेगा उसके साथ, पर अगर थोड़ी तालमेल की प्रॉब्लम हो तो ये कहूँगी कि गेहूं के दाने या जौ के दाने आप मंडे को और ट्यूसडे को
हमेशा कोशिश करें, जब पूजा करते हैं या तो मंडे को एक चम्मच जौ के दाने ईश्वर के सामने रखा, अगले दिन किचन के सिंक में बहा दिया, नहीं तो ट्यूसडे के दिन एक चम्मच जौ के दाने या गेहूं के दाने ईश्वर के सामने रखा कटोरी में, कि आपस में तालमेल बने, और नेक्स्ट डे उसको किचन के सिंक में पानी में बहा दीजिए। ये आप मंडे को कर रहे हैं तो कुछ सोमवार करिए, अगर ट्यूसडे को शुरू किया कुछ मंगलवार करिए, ये तालमेल बैठेगा। और ये मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ कि एक कैसा है सात कैसा है, गलत कोई नहीं है, यहाँ कंपैटिबिलिटी की बात है। वन और एट, वन तो लीडर है, इनोवेटर है, बैलेंस करना है, और एट बहुत स्ट्रांग है, उसको भी कुछ करना है, नाम और शोहरत कमाना है, पैसे पे ध्यान जाता है, बना के चलना है। तो आप दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, दोनों को एक साथ बिठाएंगे तो दोनों बिजनेस की बात करेंगे, कहाँ पे मुनाफा है, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों पे ध्यान जाएगा। लेकिन बिजनेस अलग है, परिवार अलग है, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए एनर्जीज बहुत थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती हैं। तो क्या करें, सैटरडे को ध्यान दें, मीट ना खाएं, कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, काले तिल, आप चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, एक छोटा सा पैकेट दान करके आइए सैटरडे के दिन, चीज़ें छोटी हैं, हेल्प करेंगी। ब्लैक को अवॉइड करें, लाइट ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्प करेगा। नंबर नाइन, देता है, लोगों को बहुत अच्छे से रीड करता है और जल्दी से जैसे माइंड स्कैन करता है कि आसपास लोग क्या हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको कैसे मिला के चलना है, वो नंबर नाइन है। और नंबर एट, मैं, मेरा, नंबर एट सबका, तो दोनों एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनको मिलाएं तो ये बहुत पावरफुल हो जाती हैं। इनको साथ में वो एक दूसरे के लिए कंपैशन हो, एक दूसरे को समझें, मिल के चलें, वो थोड़ी सी खटपट इनकी बढ़ जाती है अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करें। सिंपल चीज़ें हैं, मानना भी आपको पड़ेगा। अब जो आप मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी को जो टीका लगता है सिंदूर, वो आप ट्यूसडे को जब जाएं तो उनके लिए एक थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर में से वो सिंदूर, आप वहीं गए हनुमान जी के चरणों में वो सिंदूर का टीका लगाएं, अगर वो नहीं कर सकते और आप हनुमान जी को फॉलो नहीं करते या उनके मंदिर नहीं जा सकते, तो ट्यूसडे वाले दिन आप सिंपल चीज़ ये करेंगे, वन और नाइन को एक साथ लाना है। आप ट्यूसडे रेड बिल्कुल ना पहने, अपने स्किन पे, अपनी साथ कोई ऐसी रेड चीज़ ना रखें, अगर करना है तो बहुत कम अवॉइड करिए रेड को उस दिन आप। लेकिन ओवरऑल तालमेल बिठाने के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े, साथ में एनर्जीज आपको रखनी है, तो आप वाइट, ऑफ वाइट या हल्का पीला अपने स्किन पे वो कलर्स पहने, दोनों को शांत करेगा, दोनों की जो पॉजिटिव फीलिंग्स है उनको साथ में लेकर के आएंगे ये कलर्स, क्योंकि वो फ्रेंडली नंबर से जुड़े हैं। कंपैटिबिलिटी सोचिएगा थोड़ा सा, कि एक बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत पावर है, और दो मिल के चलना चाहता है, लेकिन एक को दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है और दूसरे को में थोड़ी नंबर टू में हिम्मत आए। थ्री क्रिएटिव है, स्ट्रांग है। फोर ठीक है, मिल के चलेगा और मिला लेगा। पाँच, मैं, मेरा, मेरे को अपनी स्पेस चाहिए। सिक्स, सबको देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन सपोर्ट चाहिए। सेवन, हैज एनर्जी की मिला ले। एट भी एम्बिशियस है, वन भी है, और नाइन देना चाहता है। नंबर वन, मैं, मेरा, मुझे चाहिए। ये क्वालिटीज़ सिर्फ ये उपाय करने से नहीं, आपको कॉन्शियसली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं बदलूँ क्या। जो आदत है खुद को वॉच करिए और उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ये कंपैटिबिलिटी की कुछ बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी, नंबर वन की, बाकी अंकों के साथ आगे एपिसोड्स में और भी नंबर्स के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद